डरावना दिख रहा काफी है, काफी डरावना दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। आजमगढ़ का सबसे बड़ा तालाब यही है। आने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, डर भी लग रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का हमारा ब्लॉग शुरू होता है साहिल के घर के बिल्कुल सामने। तो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं अजमतगढ़, वहाँ की हवेली है, काफ़ी पुरानी हवेली, चलेंगे आपको दिखाएंगे वहाँ का, काफ़ी शानदार, जो कि राजा प्रजाता जब यहाँ पे रहते थे तो सब सिलसिला चलता था वहाँ पे। चलेंगे आपको पूरी हवेली कभी दिखाएंगे, और कैसी हवेली है, क्या क्या वहाँ पे था, और क्या है बरवक, सब दिखाएंगे आपको वहाँ पे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दरवाजे पर बहुत शुक्रिया आपका। चलिए वीडियो में बने रहिए। साहिल भी आ चुका है हॉस्पिटल में से, और हम सब इधर ही बैठे हैं बकायदा है, और राशि तो गया पैसा निकालने, पैसा निकालने, पैसा नहीं था, गाड़ी में तेल भी नहीं है, अभी सब तलाब लगे, पैसा निकालेंगे, सब जुगाड़ हो जाएगा, इसके बाद सीधा निकलेंगे हवेली, चलेंगे आपको हवेली दिखाएंगे, क्या कर सकते हैं गाइस, बहुत ही शानदार हवेली, लेना पड़ेगा मेरी जान, पहली बार जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, चल के आपको पूरा हवेली का पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा। हम लोग यहीं पे बैठे, देखिए ट्रेंडी बाजार के सामने, ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडी बाजार। लोग आ चुके हैं विलेजगंज पेट्रोल पंप पे, और साहिल डला रहे हैं पेट्रोल। तो गाइस, पेट्रोल भी डला चुके हैं, अब निकल रहे हैं सीधा हवेली की तरफ, अब चलेंगे सीधा हवेली, हमारा व्लॉग स्टार्ट होगा, अब तक कुछ ना कभी दिखाते हुए चलेंगे। सो गाइज, इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है, हम लोग आ चुके हैं जो हवेली के बारे में मैंने बताया था आपको, अजमतगढ़, उस हवेली पे आ चुके हैं। ये तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसने बनवाया था ये, लेकिन यहाँ के कोई राजा थे, कोई बोल रहा है बच्चन पांडे, कोई बोल रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा किसने बनवाया था, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा। देखो ये हवेली है, अभी आपको पूरा टूर कराता हूँ कि इस हवेली को किसने बनवाया था ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें अंदर क्या क्या है और यहाँ पर राजा कहाँ पर क्या करते थे, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, हमारी बाइक यहाँ पे पार्क हो चुकी है, और चलते हैं आपको पूरा का पूरा टूर करके आपको दिखाते हैं कि हवेली कैसी है यहाँ पे और पहले कैसी थी। ये देखो, ये बड़ी हवेली यहाँ पे है, ये अंदर मंदिर भी है, और राजा यहाँ पे जाके विराजमान हुआ करते थे, और जो भी करना था अंदर, खाना पीना नाश्ता होता सब यहीं पर करते थे। और ये देखो तालाब है, यहाँ पर सैनिक नहाते भी थे, और आगे जो आपको दिख रहा है अभी दिखाऊंगा, वो बड़ा सा तालाब है अजमतगढ़ का, जो कि आगे उस, ये देखो जो रास्ता दिखा है, इसी से लिंक करके यहाँ पर एक छोटा मोटा अपना आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था, जो कि इसी में जो मछलियाँ आती थी, राजा को मछली मारने काफ़ी शौक़ था, तो यहाँ बैठ के मछली भी मारा करते थे, और सैनिक इसी में नहाते थे। और चलो आपको अंदर का भी कुछ भी दिखाते हैं। देखो यह भी एक मंदिर है, इधर भी एक मंदिर बनाया गया है, और देखो ये दरवाज़ा है, जो कि ये स्नान गिरी, मतलब स्नान करने की जगह है, नहाने की जगह है। देखो यहाँ पर राजा और रानी, देखो यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है, सीढ़ी से इसे उतरते थे, जाके यहाँ पर नहाते थे। अभी तो सब जाली टूट गई है, लेकिन ये अच्छी खासी जाली थी, जो कि पानी, देखो यहाँ तक जो ये दिख रहा है, पानी यहाँ तक पूरा, मुझे लग रहा है कंटिन्यू पूरा भरा रहता था, जो काफ़ी अच्छा लगता होगा उस ज़माने में। अभी तो सब खत्म हो गया है, और पीछे देखो सब दिख रहा है, उस तालाब से कनेक्ट करके ये सब पानी इसी में आता था, और राजा रानी यहाँ पर नहाते थे, सैनिक उसमें नहाते थे, और राजा को मछली मारने का काफ़ी शौक़ था, तो वहीं बैठ के मछली मारा करते थे, और देखो यहाँ पर आराम भी करते थे बैठ के, ये देखो आराम करने की जगह है। पीछे देखो ये मुझे लग रहा है कोई छोटा मोटा मंदिर बनाया गया था, अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन से राजा ने बनवाया था। ये देखो सुरक्षा करने के लिए सैनिक, मतलब जो भी, मतलब सैनिक जो नहाते थे उसकी सुरक्षा करने के लिए सैनिक यहाँ ऊपर खड़े होके उनकी रखवाली किया करते थे। चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के आपको कुछ भी दिखाते हैं। देखो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, साहिल जाके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। देखो और ये कलाकारी देखो गाइस, ये जो पत्थर है, इस पत्थर को ऐसे दोनों कनेक्ट करने के लिए काफ़ी मोटे मोटे लोहे से इसको ज्वाइंट किया गया है, जो कि आजकल की जो, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी है, इतना मजबूत नहीं बना पाएगी, कम से कम 200-300 साल पुराना होगा, लेकिन अभी तक देखो ऐसे ही मजबूती टिकी हुई है, अगर इसको रिपेयर किया जाए तो फिर से वैसा ही हो सकता है। देखो गाइस, हम लोग को यहाँ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये हमारे भाई, आपका घर इधर ही है क्या? नहीं, हमारा घर चिंतपुरा है।
तो ये लगता है काफी बार यहाँ पे आ चुके हैं और चलेंगे हमको पूरा ये जो हवेली है उसका टूर कराएंगे। और अंदर तो जाने का रास्ता जो है उसमें ताला मारा हुआ, दरवाजा बंद है, कहीं से पता है तो इनको कोई दूसरा रास्ता पता है, लेकर चलेंगे ऊपर और ऊपर से आपको कुछ व्यू दिखाएंगे कैसा है। चलिए यहाँ जाते हैं क्या अंदर, देखिए ये रास्ता है भाई, काफी डरावना दिख रहा है, काफी डरावना दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। देखिए यहाँ पे भाई सब इधर से जा रहे हैं और हम लोग इधर से जाएंगे, इधर ही चलना पड़ेगा लग रहा है। चलिए भाई इधर ही से चलते हैं। सब देखिए सब बहुत ही पुराना खंडहर है, देखिए सब, देखिए यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से सीढ़ी के अंदर भाई बहुत पुराना है, देख सकते भाई सब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही पुराना खंडहर है, पुरानी मूवी इधर शूट होने वाली है, बहुत ही डेंजर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब देखिए बहुत ही पुरानी हवेली है भाई, काफी डरावना, साइल में कूद के पकड़ लूंगा कि नहीं इसको, नहीं टूट जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं तो ये सब देख ले, ये देखिए भाई काफी भूतिया दिख रहा है, ये देखो जगह है क्या अंदर, अरे यार पूरा हवेली टूट गई है। गाइस ये हमारे भाई हैं जो काफ़ी मदद कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, ये तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया यार, अंदर कैसे जाएंगे, जाने लायक है, छोड़ जाने दे, मत जाओ। गाइस देखो कैसे अंदर से डूब के आना पड़ रहा है, अरे यार आने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, डर भी लग रही है। अरे यार ये हवेली थी कि हीरे जवाहरात छुपाने की जगह, ये रास्ते को देखो गाइस, देखो हवेली में काफ़ी अंधेरा है, ये ऊपर जाने का रास्ता है काफ़ी पतला है, देखो आवाज़ मेरी गूंज रही होगी। अब जा रहे हैं ऊपर, बहुत ही शानदार लग रहा है ये सब, देखो ये इसमें रानी का कमरा है, ये इसी में रानी रहती थी, अभी देखो सब कुछ पुराने जमाने का सिस्टम लगा हुआ है नीचे का भी, देखो इसको दरवाजा वाला सब टूट चुका है, अब देखो व्यू देखो गाइस, यहाँ था बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ का व्यू। सो गाइज ये देखो, ये है देखो पुरानी, ये मंदिर था राजा का, इसी में राजा अपना पूजा पाठ किया करता था। गाइज देखो इस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रहा हूँ, काफ़ी डर लग रहा है, टूटेगी नहीं ना ये, चलो राशि चलो, एक ही आदमी जाएगा तो ठीक रहेगा, टूट जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएगा, काफ़ी डर लग रहा है ऐसे सीढ़ी से, मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर क्या ही कर सकते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा इसको लेना पड़ेगा। देखो पूरा सीलिंग टूट गया, ऐसा लग रहा है थॉर का, ये देखो ये देखो ये खिड़की बनाया गया था यहाँ पे, लगता है रानी यहाँ पे बैठती थी, दोनों तरफ से खिड़की हवा आने के लिए, काफी सुकून दे रही है हवा, पूरी हवेली गाइस खत्म हो चुकी है, देखो ये देखो पूरा झाड़ पेड़ पत्ते सब इधर ही में आ रहे हैं। तो गाइस ये भाई हमारे हैं, भाई एक बार हाय कर दो, काफी मेहनत करवा रहे हैं हमारे साथ, घूम घूम पर टूर कर रहे हैं, काफी शुक्र है गाइस, जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई राह दिखाने वाला मिल जाता है। ये देखो ऊपर चल के बैठे हुए हैं, अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, कैसे चलेंगे राशिद, रास्ता है इधर, ये देखो पूरा टूट चुका है, बरगद का पेड़ है ना, ये पीपर का पेड़ है, पीपर और बरगद में डिफरेंस नहीं पता कर पाता हूँ, पूरा टूट चुका है, चलते हैं ऊपर, ये देखो इधर से भी नीचे जा सकते हैं और ऐसे आके फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये जो दिख रहा है पूरा तालाब है, ये टोटल पूरा तालाब है, देखिए पूरा तालाब काफ़ी मजबूत बनाया गया है, 200-300 साल हो गए लेकिन ये अभी तक मजबूती होती नहीं है, लेकिन टूट रहा है, हर चीज़ की एक समय होती है। ये देखो गाइस ये है तालाब, अजमतगढ़ का तालाब जो कि मैंने आपको दिखाया, ये सामने एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था, राजा रानी उसी में नहाते थे, और ये भाई बता रहे हैं जो आगे फूल दिख रहा है इसी को देख के रानी को प्रपोज किया था राजा ने, काफ़ी रोमांटिक राजा थे लग रहा है, बहुत ही बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, अगर इसकी वीडियो बनाऊँ तो आपको राजा में सबसे बड़ा तालाब है ना, राजा में सबसे बड़ा तालाब यही है।
ये देख रहे हो गाइस कितना भयानक दिख रहा है। ये 3 मंजिला था लेकिन सब कुछ टूट चुका है। देखो ये पीपर का पेड़ है लेकिन अभी तक पड़ा हुआ है। वैसे गाइस अब देखते हैं, हम लोग चढ़े थे सीढ़ी से थे लेकिन अब यहाँ से उतरेंगे, काफ़ी डर लग रहा है। चलो अरे यार यहाँ से उतरना पड़ रहा है गाइस, ये देख रहे हो काफ़ी खंडर पूरा हो गया। ये आराम भाई आराम से पकड़ उतरना पकड़ के, देख रहे हो गाइस इतना रिस्क लेके चढ़ना पड़ रहा है ऊपर। ये देखो ये हवेली काफ़ी समाप्त हो चुकी है यहाँ की, अब इसका दूसरा पार्ट है जो कि आगे से कहीं से सुरंग बना के वहाँ पे निकलती है दूसरी हवेली में। चलेंगे और सब दिखाएंगे आपको। अपना नाम बता दीजिए भाई। रविकांत तिवारी। अच्छा अभी तो फोटोशूट के लिए आए हैं जी। अच्छा चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे आए थे 3 जन लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमारी टीम देखो 6 लोग की हो गई। ये जो भाई हमारे थे ये वाले हमारे काफ़ी बताया हवेली के बारे में, अभी ये हमको लेके चलेंगे दूसरी हवेली जो कि दूसरा पार्ट है, वहाँ पे चलेंगे सब कुछ दिखाएंगे कि वहाँ की हवेली का क्या क्या मंजर है, कैसी हवेली है, इसी का दूसरा पार्ट है वहीं पे चलेंगे। चलिए गाइस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देखो हम लोग आ चुके हैं और बाइक हमारी वहाँ पार्क हो चुकी है, और ये देखो ये रही दूसरी हवेली का कुछ व्यू, देखो काफ़ी शानदार दिख रहा है। और राजा जो वो तो मतलब एंजॉय करने की जगह थी, मस्ती करने मस्ती मजाक करने की जगह थी, सैनिक वहाँ पे रहते थे और राजा मेन यहाँ पे रहता था। देखो राजा यहीं पे रहता था और मुझे ऐसा लग रहा है जो राजा के खानदान के थे वो अभी देखो यहाँ पे रहते हैं, मतलब अंदर अपना रिपेयर करा के अंदर रह रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा हवेली का व्यू, देखो ये देखो ये हवेली है बहुत ही शानदार आ रहा है। ये देखो हवेली, ये देखो उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, हमान करकाब उतरी बियास नसान, पता नहीं क्या इंसान उंसान लिखा हुआ है। देखो ये है हवेली, हवेली का दूसरा पार्ट है, मेन दूसरा पार्ट के मेन यही हवेली है। अब देखो यहीं पे यहाँ पे मुझे लग रहा कोई रह रहा है, देखो ए सी ओसी भी अंदर लगी हुई है, मतलब उनके जो रिलेशन में थे या कुछ भी जो भी कह सकते हैं यहाँ पे रहते हैं अभी। 200 से ज़्यादा पुरानी होगी साहिल। तो गाइस चलते हैं, यहाँ का एक काफ़ी मशहूर मंदिर है जो कि राजा ने ही बनवाया था। तो देखो हमारी टीम एक आदमी तो फोटो शूट के लिए आए थे वहाँ पे रुक गए, और ये हमारी 5 जन की टीम है। चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है, और राजा ने ही बनवाया था, काफ़ी शानदार मंदिर है। तो हम लोग देखें, पहले साहिल देखा है लेकिन चले गए, अब हमको दिखाएंगे कैसा है। खुशी मारे भैया बोली राशिद भाई जो यहाँ काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं गाइस, इनको समझाया जा रहा है। आ चुके हैं मंदिर के पास, और ये रहा मंदिर का गेट, अब यहीं से हमारी एंट्री होगी। देखो यहाँ पे कुछ काम चल रही है, देखो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ का भी। गैस कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन कुआं यही पे है, पानी राजा रानी पानी निकाल के यहीं से पीते थे। देखो खींचते थे ना, इधर लगा के कुछ ये कुछ इसमें इसे लकड़ी टाइप कुछ लगा हुआ, इसे रस्सी से खींचते थे। झाड़ इतना ज़्यादा है कि दिखाई नहीं, ये कुएं के अंदर झाड़ निकला हुआ है। ये देखो ऐसे पानी खींचते थे तो पानी उधर से आके इधर आता था पानी। ये देखो मैं आपको कुएं का व्यू दिखा रहा हूँ, काफ़ी गहरा है भाई। हेलो देखो आवाज़ गूंज रही है उधर। तो गाइस हम लोग अपना जो भी चप्पल उप्पल था जूता वूता सब निकाल चुके हैं, अब चलते हैं मंदिर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखो राजा नहीं बनवाया था, क्या दिखा रहे हो साहिल? सुरंग कहाँ पे? गाइस जो सामने जो आपको दिख रहा है ये देखो सुरंग है जो कि उस हवेली से इस हवेली में आने का रास्ता था, हवेली का इस मंदिर में आने का रास्ता था उधर से सीधा अंदर ही अंदर जहाँ राजा रानी एंजॉय करते थे उधर से, वहाँ से जो आपको सामने दिख रहा है इधर हवेली है वो मेन वाली जो एंजॉय करते थे, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते थे, और जो मैंने पीछे आपको हवेली दिखाया है उधर से भी डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं। इधर से पूजा करते थे फिर उधर चले, अंदर ही अंदर अपने घर चले जाते थे वो। देखो ऊपर देखो कनेक्ट किया गया है, आप इधर से भी सीधा आप मंदिर के ऊपर आ सकते हैं। देखो बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, देखो ये मंदिर है बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है गाइस। तो गाइस हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है, उम्मीद करता हूँ आज का हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा आपको। ये देखो ये हमारे दो दोस्त, तो गाइस देख के बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी है, आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमारे घर से काफ़ी दूर थी ये, करीब 20 किलोमीटर होगी ना, 20 किलोमीटर है। हम वहाँ से आए, साहिल ने बोला चलो मैं आपको एक हवेली का ब्लॉग बनवा देता हूँ, तो साथ में आए और ब्लॉग बनवा दिया। भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाय
भाई काफी शर्मा रहे हैं, ये नहीं शर्माते हैं कुछ भाई। आप देख सकते हैं गाइस, हमारे गांव में जैसे आए हैं दोस्त लोग आए हैं, अब यहाँ की वीडियो वीडियो बनाए हैं, अब जल्दी फॉलो करना और सब्सक्राइब भी करना। चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं जल्दी के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।